अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं डेट बॉल, जो बहुत हेल्दी रेसिपी है रमज़ान के लिए। इसके लिए हम खशखाश लेंगे 1 टेबलस्पून और तिल डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसको बहुत लाइट ब्राउन सा भून लेंगे, बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं दोनों, खशखाश भी और तिल भी, तो इनको हल्की आंच पे हमने लाइट ब्राउन करना है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है रमज़ान में। अगर हम ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खा सकते तो हम अगर इस तरह डेट बॉल बना लेंगे तो ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और ये खाने में भी आसानी रहती है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू और चारमगज। घी 1 टेबलस्पून देंगे और इसको भूनेंगे। हल्का सा भून लें। इस एक अलग डिश में हम इसको निकाल लेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे हम। ये बादाम और ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, हम इनको अध कुटा कर लेंगे। 1 टेबलस्पून घी लेंगे, खजूरें हमने ग्राइंड की हैं, 1/2 किलो ली थी खजूरें हमने और इनको हमने ग्राइंड कर लिया। ज़रा ये थोड़ी सख्त हैं तो जब इसको, इनको हीट लगेगी तो ये खुद ही नरम हो जाएंगी। हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का सा सेक लगते ही ये नरम हो जाएंगी। खशखाश डालेंगे, खशखाश और तिल जो भुने थे, और ये कोकोनट डालेंगे और हम ये थोड़ा थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर कोटिंग के लिए। ये हमने सब तमाम जो मेवे भुने थे इनको हमने अधकुटा सा कर लिया है और इसमें हमने खजूरों में शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। एक हार्ड चम्मच से हमने इसको ज़रा किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो आप पसंद आ रही हैं तो आप लाइक ज़रूर करें। अब थोड़ा सा पोर्शन लेके हमने उसका एक बॉल बनाया। इसका साइज़ आप अपनी पसंद से ले सकते हैं और नारियल में कोट किया है। छोटा या बड़ा ये आप अपनी पसंद से इसका साइज़ बना लें। ये हमने खशखाश और तिलों में कोट किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।